कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए निर्मला पुतुल की कविता, जो कुछ देखा सुना समझा लिख दिया। सुनिए ये कविता मेरी यानी आरती की आवाज में। बिना किसी लाग लपेट के तुम्हें अच्छा लगे ना लगे तुम जानो। चिकनी चुपड़ी भाषा की उम्मीद ना करो मुझसे। जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते मेरी भाषा भी रुखड़ी हो गई है। मैं नहीं जानती कविता की परिभाषा, छंद लय तुक का कोई ज्ञान नहीं मुझे, और ना ही शब्दों और भाषाओं में है मेरी पकड़। घर गृहस्थी संभालते लड़ते अपने हिस्से की लड़ाई, जो कुछ देखा सुना भोगा बोला बतियाया आस पड़ोस में संगी साथी से, लिख दिया सीधा सीधा समय की स्लेट पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में जैसे तैसे। तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ो ना पढ़ो, मिटा दो या कर दो नष्ट पूरी स्लेट ही, पर याद रखो फिर कोई आएगा और लिखे बोलेगा वही सब कुछ, जो कुछ देखे सुनेगा भोगेगा तुम्हारे बीच रहते। तुम्हारे पास शब्द हैं, तर्क है, बुद्धि है, पूरी की पूरी व्यवस्था है तुम्हारे हाथों। तुम सच को झुठला सकते हो बार बार बोलकर, कर सकते हो खारिज एक वाक्य में सब कुछ मेरा। आंखों देखी को गलत साबित कर सकते हो तुम, जानती हूं मैं, पर मत भूलो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए सच को सच और झूठ को पूरी ताकत से झूठ कहने वाले लोग। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।